हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज 1.1 जो है ना इंटीजर्स की, वो हम सोल्व करने वाले हैं सेवन्थ क्लास की कोर्डोवा की बुक से। तो ये एक्सरसाइज चैनल पे अपलोड हुई नहीं थी, ठीक है। 1.2 भी है और 1.4 भी है, बट कुछ एक्सरसाइज जो रह गई है वो अब हम सोल्व करेंगे। रेगुलरली आपको वीडियोज मिलते रहेंगे, पूरी कोशिश रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे और वीडियोज को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 इंटीजर्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ 256 एंड -312। तो इसके तीन पार्ट हैं। देखिए हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उनके सभी पार्ट भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, फर्स्ट पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं, ये यहां से देखते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, ये वाला। तो सम फाइंड करना है तो हम सिंपली इसको लिखते हैं 256 प्लस और माइनस में लिखते हैं 312, ठीक है ना। अब ये एक्चुअली क्या होता है कि जब दो अपोजिट साइन के नंबर्स को जब एड करते हैं ना, तो उनका डिफरेंस लिया जाता है, ठीक है। तो यहां हम सिंपली ये लिख देंगे 256 और ये प्लस माइनस जो मल्टीप्लाई होता है ना साथ में, ये बन जाता है माइनस, ठीक है ना, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है 312। अब देखिए नॉर्मली हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर आप रफ कॉपी में करना चाहते हैं तो आप रफ कॉपी में पहले करें। देखिए अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हम स्मॉलर में से बिगर नंबर को माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर तो आएगा नेगेटिव। अब हम माइनस करके देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। तो 312 में से 256 को माइनस करते हैं। देखिए ये इस तरह से होगा, 56 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा माइनस का 56। माइनस का क्यों होगा, क्योंकि बिगर नंबर जो है ना वो नेगेटिव है, 312 नेगेटिव है, इसलिए आंसर नेगेटिव में आएगा। अच्छा ये देखो सेकंड करते हैं, हमें इनका सम फाइंड करना है तो लिखेंगे माइनस 319 प्लस और माइनस का 136। अब देखिए दो सेम साइन वाले नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जो आंसर आता है वो उसी साइन में आता है, ठीक है, मतलब कि आंसर भी नेगेटिव आएगा। तो इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो और आंसर में ऐड, देखिए नॉर्मल जो एडिशन हम करते हैं ना वही परफॉर्म करेंगे। इनको ऐड करके तरफ में चेक कर लो, ये 15 5 1 हो गया, ये 5 हो गया और ये 455, तो माइनस का आंसर आएगा, ठीक है, -455 होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये थर्ड वाला कैसे करेंगे, -127 प्लस 300। अब यहां पर भी दो अपोजिट साइन के नंबर है, 300 तो पॉजिटिव है और 127 नेगेटिव है। जब अपोजिट साइन के नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो उनका डिफरेंस निकाला जाता है, तो 300 में से जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 173 और बिगर नंबर प्लस का है पॉजिटिव, ये 300 आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव नंबर है तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो आई थिंक समझ गए आप अच्छे से इस क्वेश्चन को। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा सब्ट्रैक्ट। अब देखिए सब्ट्रैक्ट में क्या करना पड़ता है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट में माइनस का साइन यूज करेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो फ्रॉम के बाद लिखा है, फ्रॉम के बाद -56 लिखा है, इसको तो हम पहले लिखते हैं, ठीक है ना, और सब्ट्रैक्शन का माइनस का साइन लगाते हैं और हम कह रहे हैं 32 फ्रॉम -56, ये हम 32 इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -56 एंड -32। अब देखिए दो नेगेटिव नंबर्स हैं साथ में तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐड होके क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा और ये 8 और 8 होगा, 88 हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाला। बहुत सिंपल क्वेश्चन सही है, फ्रॉम के बाद क्या लिखा, -80, तो ये -80 और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 73। तो नॉर्मली क्या होगा, -80 और -73, ये कितना आता है, माइनस का फ्रॉम, वेट हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, -80 से 73 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये -73 है, ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ इसको करेक्ट करते हैं, ठीक है, ये होगा हमारा माइनस का 73, या माइनस का साइन लगा लेते हैं। अब देखिए फ्रॉम के बाद जो नंबर है वो हम पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन का माइनस लिखेंगे और 73 जो नेगेटिव वाला है ना वो हम यहाँ लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -80, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 73 हो जाएगा। अब देखो दो नंबर हैं अपोजिट साइन के तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, 80 और 73 का डिफरेंस होता है 7 और माइनस का 7, क्योंकि बिगर नंबर माइनस का है, ठीक है। इस तरह से ये देखते हैं, 72 माइनस और माइनस का 63 होगा, सिंप्लीफाई करेंगे 72, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेंगे, ये 63, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 135। तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -5 टू 4 एंड 6 7 8 फ्रॉम -92। देखियो
देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है देखो, माइनस 92, तो माइनस 92 अब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये सब्ट्रैक्ट आएगा, ठीक है ना, और सम ऑफ तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सम ऑफ किसका सम होगा, माइनस 524 एंड 678, ये हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब सिंप्लीफाई करते रहना और कुछ नहीं करना, देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे माइनस, अब ब्रैकेट में देखो क्या है, दो नंबर है जो अपोजिट साइन के, तो डिफरेंस निकलेगा, बिगर में से हम स्मॉलर को माइनस कर देंगे, तो देखो 8 में से 4 गया 4, 7 माइनस 2 5 और 6 माइनस 5 1, और पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि ब्रैकेट में जो नंबर है ना वो क्या है 6 7 8, वो है पॉजिटिव नंबर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो माइनस 92 माइनस 154, यहाँ पर दोनों नंबर्स जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में ऐड हो जाएंगे और आंसर हमारा नेगेटिव होगा, 4 और 2 6 हो गया 50 और 9 हो गया 224, तो ये इसका आंसर था 246, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, देखो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है ना, फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये सब्ट्रैक्ट माइनस 341 फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, फ्रॉम द सम, फ्रॉम के बाद जो भी आ रहा है, देखो फ्रॉम के बाद जो आ रहा है इसको हम पहले लिखते हैं, तो सम ऑफ, ये तो सम हो गया, ठीक है, किसका सम, 83 का सम और माइनस 56 का सम, इसमें से हमें क्या माइनस करना है, हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस करना है सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 341 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, 83 और माइनस 56, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, ये बाहर का जो माइनस माइनस है ये दोनों प्लस बन जाएंगे और ये होगा 341, ठीक है, ये देखो, और इसके बाद में 83 माइनस 56 कर देंगे अपन, तो ये तो 7 हो गया और ये हो गया 2, ठीक है, तो ये होता है 70, ओके 83 हो गया, ये होगा प्लस का क्योंकि 83 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन लेंगे 341, सिंपली इनको ऐड कर देंगे, देखो 7 प्लस 1 8 हो गया और 34 प्लस 2 हो गया 36, ठीक है, तो आंसर होता है इसका 368। फोर्थ क्वेश्चन भी हुआ राइट, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज माइनस 278, इफ वन ऑफ द इंटीजर्स इज माइनस 156 फाइंड द अदर। देखो इसमें या तो हम x मान के कर लें, तो आपकी बुक में अगर x का मेथड है स्टूडेंट्स, तो आप x अज्यूम करके कर सकते हैं कि लेट वन ऑफ द इंटीजर इज x, बाकी मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें हमें लैंग्वेज का ध्यान देना है, अगर हम ये कहते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि दो नंबर्स का सम 10 है, अगर एक नंबर उसमें से 7 है तो दूसरा क्या होगा, अब क्या करेंगे आप 10 में से 7 को माइनस करेंगे, मतलब जो नंबर हमें पता है उसी को माइनस कर देंगे, अदर नंबर आ जाएगा, सो इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे, फाइंड द अदर अदर नंबर इज, दोनों का टोटल कितना है, माइनस 278, इसमें से किसको माइनस करेंगे, जो हमें पता है उसको माइनस कर देंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, जो सम है वो पहले लिखेंगे और जो नंबर हमें पता है वो बाद में लिखेंगे। अब इसको हम सिंपली पहले वाले क्वेश्चन की तरह सोल्व करेंगे, माइनस 278, ये माइनस और माइनस मिलता है प्लस और 156, अल्टीमेटली अब देखो आप क्या देखते हैं, एक नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव है, यानी अपोजिट साइंस के नंबर है, तो डिफरेंस निकालेंगे और आंसर हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि बिगर नंबर नेगेटिव है, देखो 8 माइनस 6 2 होता है, 7 माइनस 5 2 होता है और 2 माइनस 1 1 होता है, तो इसका आंसर होता है माइनस 122। देखिए बहुत सिंपली हमने इसको सोल्व कर दिया राइट, तो आप कंसेप्ट समझेंगे ना तो सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगे। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दैट। अच्छा देखो क्या कहते हैं, सबसे पहले फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, इनका डिफरेंस है ना, यानी कि इनको हम पहले लिखेंगे, तो डिफरेंस ऑफ 2 माइनस 23 और डिफरेंस के लिए क्या लगाएंगे, यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि थोड़ा सा लैंग्वेज जो है ना वो कंफ्यूज करती है, फ्रॉम के बाद जो लिखा उसको हम पहले लिखेंगे, अब सब्ट्रैक्शन का माइनस का साइन लगाएंगे, ये देखो ये माइनस का थोड़ा डार्क कर दिया मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ पाए, अब वो वाला जो है ना फर्स्ट स्टेटमेंट, ये देखो ये जो लिखा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, ये तो सम ऑफ यानी कि माइनस, ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम माइनस 42 और माइनस 147, हमने क्या किया इस सम को इसमें से माइनस कर दिया, चलिए दोनों को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है ये कर दिया, अब देखिए माइनस का साइन तो अपनी जगह रहेगा, इन ब्रैकेट्स में हम सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, माइनस 283 और प्लस, ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, वो ध्यान से देखो आप, ठीक है, एक माइनस की छोटी सी मिस्टेक आपके आंसर को गलत कर सकती है, यहां पर होगा माइनस 42 और माइनस 147, अब धीरे धीरे देखिए आप, यहां पर हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट में, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में देखो अपोजिट साइन के नंबर है तो डिफरेंस निकालेंगे, चलिए माइनस करते हैं, ये हो गया 13 में से 5 गया 8 हो गया, ये 7 माइनस 1 6 हो जाता है, सॉरी 5 माइनस 3 2 होता है
और ये 10 माइनस से 2 होता है, देन ये 3 माइनस 2 1 हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर आ गया। और माइनस, अब इधर देखो सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या, दोनों नंबर नेगेटिव है, तो सेम साइन के जो नंबर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। 7 प्लस 2 9 हो गया और 14 प्लस 4 8 हो गया। फाइनली क्या देखते हैं हम, देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाएंगे और 189, ठीक है। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, 9 और 2 11, ठीक है, 1 आएगा और ये 9 और 2 11 अगेन 1 आ गया और ये 3 हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होता है 300, नहीं कुछ गलत हो रहा है, देखिए 9 और 2 11 1 हो गया, 8 और 1 9, कुछ हमने मिस्टेक की है, चलिए हम चेक करते हैं इसको, ठीक है, फिर से अपन इसको देखते हैं, दोबारा कर लेते हैं इसको हम, नो इश्यूज, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या है, राइट, देखो फिर से देखते हैं इसको, हमने सोल्व किया तो यहां लिखा हमने माइनस 283, ये हो गया प्लस 415, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट में हुआ माइनस 42 माइनस 147, वो धीरे धीरे करेंगे अब। अब देखो दो नंबर्स हैं यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस निकल रहा है, ठीक है, तो डिफरेंस हम यहाँ निकाल लेते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, देखो इनका डिफरेंस निकालते हैं, ये 2 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, ये 132 हुआ, ठीक है, तो ये होता है 132 पॉजिटिव में और माइनस में, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दो नेगेटिव नंबर हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, 7 और 2 9 हुआ और 14 प्लस 4 18 हुआ। फाइनली अब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, माइनस और माइनस प्लस होता है 189। अच्छा अब देखो ऐड करते हैं, 9 प्लस 2 11 1 कैरी, ये हो गया 9, 9 और 3 12 1 कैरी और ये 3 हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर 321 होगा। अब देखिए मुझे ये लगता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको अच्छे से आता है, तो ये आप कर लें, ठीक है ना, बाकी जो भी कैलकुलेशन है साइड में वो आप रफ में करते चले, ओके। सेवंथ क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई, अच्छा सिंप्लीफाई करना बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो क्या होता है इसमें कि ये 14 है, अब ये देखो माइनस और माइनस 18, तो हमने क्या कर दिया इसको प्लस 18 कर दिया, प्लस अब ये ब्रैकेट यूज करेंगे, अंदर है माइनस 32, ठीक है, और फिर से माइनस माइनस 15 हो रहा है, माइनस का माइनस हो रहा है ना, मतलब नेगेटिव का नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए बाहर कितना हुआ, 14 प्लस 18 हुआ हमारा 32, ठीक है, और प्लस ब्रैकेट में देखो दो अपोजिट साइन के नंबर है तो डिफरेंस निकलेगा, माइनस का 17 है ना, अब ये क्या हुआ 32 और ये हुआ माइनस का 17, तो इसका आंसर कितना आता है 15, मतलब इसमें से 17 को माइनस करेंगे तो 15 होगा, 15 होगा, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन देखो, अच्छा ये तो काफी इजी है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, LHS और RHS को अलग अलग लेंगे, देखो LHS क्या है, A माइनस B, तो A और B की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का 10 है, एक माइनस लगाएंगे और B की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 10 और प्लस 4, ये कितना होता है माइनस 6। अब RHS लेंगे, हमें प्रूव करना है कि दोनों इक्वल नहीं है, तो RHS देखो क्या है, B माइनस A, अच्छा अब इसमें B की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 4 माइनस, और A की वैल्यू क्या है माइनस 10, देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, जो सारी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं वही करना है हमें, देखो माइनस 4 हुआ, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हुआ 10, और ये देखो क्या होता है 6 हुआ। अब ध्यान से देखो आप, यहां ये वाला आंसर है 6, ठीक है, वेट देखो ये वाला आंसर 6 आ रहा है और ये वाला, सॉरी फर्स्ट वाला माइनस 6 आ रहा है और सेकंड वाला 6 आ रहा है। अब आप ये जानते हो कि माइनस 6 और प्लस का 6 कभी बराबर नहीं होते, तो हम कह सकते हैं माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू प्लस 6, देन हम कह सकते हैं LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, ठीक है, ये प्रूव कर दिया हमने। नेक्स्ट देखो नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है तो काफी जल्दी एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है। अब देखिए यहां पे मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये जो ब्रैकेट ब्रैकेट तो नहीं है, ये देखो ये वर्टिकल जो बार लिखी होती है ना, इसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं, इसका नाम क्या होता है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ये क्या करता है मैं आपको बताता हूं, ये क्या करता है कि ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें अगर कोई भी वैल्यू हम डाली जाए, है ना, कोई भी वैल्यू इनपुट करें तो वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, यानी आप इसके अंदर अगर नेगेटिव लिखेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो देखो इसमें ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस माइनस 4 का जो मॉड्यूलस है वो 4 हो जाता है, फिर प्लस माइनस 5 का मॉड्यूलस जो है वो 5 होता है। अब ये बाहर एक माइनस ये तो हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन ये जो आपको दिख रहा ना, ये दो वर्टिकल बार के अंदर जो लिखा, इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा
फोर। अब सिंपली इसको सोल्व करते हैं, देखो 3 + 4 + 5 कितना हुआ 12 हुआ, 12 - 4 तो इसका आंसर होता है 8। ठीक है, काफी सिंपल हुआ ये। अब देखो सेकेंड वाला पार्ट, फिर से -6 का मॉडुलस हमने लिया तो प्लस का 6, ये प्लस का साइन, फिर 9 + 41। अच्छा इसका क्या होगा, देखिए ये हो गया हमारा 6 + 50 और ये हो गया 56। ठीक है, 56 का आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का, सिंप्लीफाई करना है तो बहुत इजी है सारे क्वेश्चन। देखो 23 है ना, 23 और ये माइनस और माइनस क्या मिला प्लस, फिर प्लस का 12 और फिर से माइनस माइनस मिलके प्लस का 6 हो गया। अल्टीमेटली सारे नंबर पॉजिटिव हो गए, ऐड कर दो। देखो 23 + 9 कितना हुआ 32, ओके 32 और 12 + 6 कितना हुआ 18 और 32 + 18 कितना होता है 50, ये इसका आंसर होगा। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, देखो -15 ठीक है, ये प्लस माइनस हुआ माइनस का 63, ये माइनस माइनस होता है 45 और ये फाइनली माइनस का 16। अब यहां देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये काम करें सेम साइन के नंबर जो है ना उनको एक साथ कर लें, ठीक है, तो तीन नंबर है वो माइनस के हैं 15, 63 और 16 और एक नंबर पॉजिटिव है जो 45। अब आप इन माइनस वाले नंबर को एक साथ ऐड कर लें, देखिए कितना होगा, ये होगा 9 और 5 14 1 कैरी 2 6 8 + 1 9 और ये होगा +45। ठीक है, सारे नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लिया हमने। अब देखिए दो अपोजिट साइन के नंबर हैं तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, है ना, तो देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9 है ना और इधर से रहा 8 - 4 = 4 तो इसका आंसर होगा -49। सिंपली पहले डिफरेंस निकालेंगे और बिगर नंबर का साइन लगा देंगे, 94 यहां पे बिगर है और नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, 1.1 कंप्लीट होती है और रेगुलरली आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज भी मिलती रहेगी। आई थिंक 1.2 जो है वो अपलोडेड नहीं है आपके चैनल पर, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 होगी, जो भी एक्सरसाइज मिसिंग है ना वो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे।